इस तरह का कोई अगर बयान किसी का आया है तो मैं उस बयान की निंदा करता हूँ। इस तरह का जो बयान है इसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, ये पहले तो इसका मसौदा जब आएगा, वो क्या बिल आता है, क्या उसका मसौदा आता है, वो उसके बाद ही इस पर हम कुछ बात कहेंगे। क्योंकि ये कभी ये प्रिलिमिनरी बात है, कमेटी का गठन हुआ है और पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया है, चर्चा है कि उस सेशन में आएगा, पहले आए उसके बाद मैं इस पर जवाब दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी की बात आई खट्टर साहब की, कि बहुत ही इससे लोगों का हित है और काफ़ी ज़्यादा जो है इससे बजट पे राहत मिलेगी, हजारों करोड़ रुपए की सेविंग होगी। मैं खट्टर साहब से आग्रह करूंगा वो इस बयान पे अपने कायम रहें। क्या तय वन रेशन वन पोल का, वो तो जो आएगा उस समय आएगा, लेकिन कम से कम हरियाणा के चुनाव जो है लोकसभा के साथ ही करा दें, क्योंकि हरियाणा की जनता तैयार है। लोग हरियाणा की जनता के हक में होगा ये फैसला, क्योंकि हरियाणा की जनता प्रदेश की सरकार बदलना है। लगातार 28 गठबंधन तैयार हो चुके हैं, क्या लगता है कि 24 की सीटें बदलेगी? देखिए, जो है मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर से प्रजातंत्र के हक की बात है। ये जो जिस रूप से सारे विपक्षी दल एकजुट हुए, ये प्रजातंत्र, इससे देश के प्रजातंत्र को मजबूती मिलेगी, क्योंकि मजबूत विपक्ष एक मजबूत विकल्प दे देश के आगे, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो देश की प्रजातंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा और देश को एक सकारात्मक विकल्प देश का विपक्ष दे पाएगा। विपक्ष का कार्य केवल विपक्ष ही नहीं, चुनावी वर्ष के अंदर जब हम हैं तो एक विकल्प देना भी है और एक मजबूत विकल्प इंडिया के माध्यम से दिया जाए। सुनील लाडू के जो मुख्यमंत्री, आज तक न्याय मिला 4 फीट भी नहीं हो चुकी। दुख की बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने, जिस रूप से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर खेल मंत्री का जो बचाव किया वो सही नहीं है। खेल मंत्री को तुरंत या तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए था या मुख्यमंत्री को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था और कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए था ताकि न्याय हो। न्याय का क्या मतलब है? न्याय का मतलब ये है कि जांच दूध का दूध पानी का पानी हो, जांच में किसी को पहले से कोई क्लीन चिट ना मिले। तो मुख्यमंत्री जी अगर क्लीन चिट दे देंगे तो क्या इन्वेस्टिगेशन अफसर उस बात को, उस संदेश को जो है नहीं समझेगा? तो ये सही नहीं है। न्याय हो, सारी बात आए, न्याय हमारी बेटी को मिले, वो भी बड़ा दुर्भाग्य है, हमारी बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए और जो है प्रदेश के लोगों के सामने भी बात आए कि भाई कोई अगर गलत करे तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री, उनके बेटे का बयान आया कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? इस तरह का कोई अगर बयान किसी का आया है तो मैं उस बयान की निंदा करता हूँ। इस तरह का जो बयान है इसका कोई औचित्य नहीं है। इस देश के जो है देश में इस प्रकार के बयान का कोई इस स्थान में।